अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं आज आपके साथ एक और हेयर मूव क्रीम के बारे में बात करने जा रहा हूं, जो कि सफूरा कंपनी का है। सफूरा कंपनी के हेयर मूव क्रीम जो है इस तरह के साशे में आती है। इसके अलावा इसमें जार भी आते हैं, जिसके ऊपर मैं एक अलहदा से वीडियो बनाऊँगा। नाज़रीन, ये जो है इस तरह के साशे में आती है। अगर इसकी मकदार की बात करें नाज़रीन, तो ये 20 ml की इसकी मकदार है। और इसको यूज़ का तरीका और इसके मज़ीद बेनिफिट जान लेते हैं, इससे पहले हम इसकी पैकिंग को जान लें। सबसे पहले नाज़रीन इसकी पैकिंग को देख लेते हैं कि इस तरह के रैपर में ये मार्केट में दस्तयाब है, वाइट और पर्पल कलर की। इसकी बैक साइड पे चलें तो मुकम्मल इन्होंने इसके ऊपर तफसील के साथ इसके बेनिफिट, तरीका इस्तेमाल ऊपर मैंशन किया हुआ है, उर्दू में भी और इंग्लिश में भी, कि इसको किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा नाज़िन, आगे चल के मैं आपको इसको खोल के भी दिखाऊंगा कि इसके अंदर से क्रीम जो है किस तरह की निकलेगी। नीचे चलें तो नाज़िन इन्होंने इसके ऊपर सफूरा क्रीम की इमेज भी बनाई हुई है। इसके अलावा नाज़िन इसके ऊपर बारकोड नंबर वगैरह ऊपर मेंशन है, और इसकी क्वांटिटी कितनी है वो भी ऊपर मेंशन है। अब नाज़िन बात कर लेते हैं इन कंपनी के बारे में, इसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। नंबर स्टेप पे नाज़िन, जिस्म के जिस हिस्से के बाल साफ़ करने हो इसको पानी से नरम कर लें। नंबर दो, हस्बे ज़रूरत क्रीम निकाल कर चमचे के साथ बालों पे इस तरह से लेप करें कि तमाम बाल छुप जाएं। नंबर थ्री पे 4 से 5 मिनट तक इंतज़ार करें, इसके बाद थोड़े हिस्से से क्रीम हटाकर इत्मीनान कर लें कि बाल साफ़ हो गए हैं। ज़्यादा सख्त और घने बालों के लिए मज़ीद 2 मिनट क्रीम लगी रहने दें। इसके बाद चम्मच से जिल्द पर लगी तमाम क्रीम को साफ कर लें। फोर्थ, बाल साफ़ करने के बाद सादा पानी से धोकर साफ़ कर ले। नाज़रीन, अब बात कर लेते हैं इसकी एहतियाती तदबीर की। इससे पहले नाज़रीन मैं आप इसको खोल के आपको दिखा देता हूँ कि इसके अंदर से जो क्रीम है उसके रैपर जो है वो किस तरह का निकलेगा। ऊपर से पैकिंग तो मैंने आपको दिखा दी है, अब इसको खोल के भी आपको दिखा दूँगा कि इसके अंदर से जो क्रीम है वो किस तरह की निकलेगी। तो नाज़रीन, जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि इसके अंदर से जो क्रीम की मकदार है वो 20 ml है, और इस तरह के पैक में ये मार्केट में दस्तयाब है। इसके अंदर से एक अदद प्लास्टिक का स्पून मिलेगा, जिसकी मदद से आप क्रीम को अप्लाई और जो है रिमूव कर सकते हैं, यानी इसी के मदद से आप क्रीम को लगा सकते हैं और इसके साथ ही आप इसको उतार सकते हैं। इस तरह का ये रैपर है जिसके अंदर ये आपको क्रीम मिलेगी। इसको कैंची की मदद से ऊपर से काट लें और इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीका इस्तेमाल जो है मैंने आपको बता दिया है। अब बात कर लेते हैं नाज़रीन इसकी एहतियाती तदबीर की। जिल्द की बीमारी वाले हिस्से पर इस्तेमाल ना करें, यानी अगर आपके जिल्द पर कोई रैश वगैरह, जहर वगैरह है तो इसको पर इस्तेमाल ना करें। नाजुक जिल्द या चेहरे के लिए पहले तजर्बे के तौर पर थोड़े से हिस्से पर लगा कर देख लें। नाज़रीन, इनका कहना है कि अगर आप नाजुक हिस्से पर या चेहरे का पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसको पहले लगा कर देख लें। अगर आपको इसके इस्तेमाल के बाद एलर्जी वगैरह या रैश वगैरह नहीं होते तो ही आप इसको इस्तेमाल करें, अदरवाइज़ आप इसको इस्तेमाल करें। यानी अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल करने के बाद थोड़ी सी स्किन के ऊपर अगर आपको एलर्जी वगैरह हो जाए तो आप इसका इस्तेमाल ना करें। अगर आपकी स्किन ठीक रहती है तो ही आप इसको इस्तेमाल करें। नाज़रीन, इसके अलावा अगर ख़ारिश हो जाए तो एक हिस्सा और या 7 हिस्से ठंडे पानी का महलूल बनाकर मुतासर हिस्से को धो लें। यानी कि इनका कहना है कि अगर ख़ारिश या रैश वगैरह हो जाएं तो इसमें पानी डाल के आप जो है इसको अच्छी तरह से वॉश कर लें। इसके बाद आप इस क्रीम का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि कुछ लोगों की स्किन जो है सेंसिटिव होती है और उनको इसके इस्तेमाल से रैश वगैरह या एलर्जी वगैरह हो जाती है। ऐसे लोग इसके इस्तेमाल से परहेज करें। नाज़रीन, इनका कहना है कि ये फास्ट एंड इफ़ेक्टिव है, ये बहुत जल्द आपको रिजल्ट देती है। इसके इस्तेमाल आप बलकनी, इसके अलावा नाज़रीन अंडर आर्म, इसके अलावा चेस्ट और लेग्स पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक दफ़ा नाज़रीन मैं आपको फिर बता देता हूँ, बिकनी, अंडरवे, आर्म, चेस्ट और लेग पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन आप इसको चेहरे पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो मैंने आपको टर्म बताई हैं उस हिसाब से अगर आपको इसके इस्तेमाल के बाद एलर्जी वगैरह नहीं होती तो ही आप चेहरे पर इस्तेमाल करें। अगर आपको एलर्जी हो जाती है तो आप इसका इस्तेमाल चेहरे पे ना करें। आखिर में नाज़रीन, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करके इसके साथ लगे